हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा नोकिया G42 5G फ़ोन है, तो नोकिया G42 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शंस है, तो ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शंस को आप कैसे ऑन ऑफ़ कर सकते हैं और कैसे आप होम स्क्रीन वगैरह को रोटेशंस को होम स्क्रीन रोटेशंस को कैसे ऑन ऑफ़ कर सकते हैं और होम स्क्रीन को कैसे रोटेट कर पाएंगे अपने नोकिया फ़ोन में, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शोर हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। तो होम स्क्रीन रोटेशंस को कैसे ऑन ऑफ करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको सेटिंग्स आइकन पर जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से हमारे फ़ोन में बन जाएगी। तो हम अब होम स्क्रीन रोटेशंस को ऑन ऑफ करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको जाना होगा डिस्प्ले सेटिंग्स पर। डिस्प्ले सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, तो इस पर जाकर अपने होम स्क्रीन वैक की रोटेशंस को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। सिंपली आप देख सकते हैं कि आपके पास ये ऑप्शन शो हो रहा है, ऑटो रोटेट स्क्रीन। तो इसको ऑन करके आप अपने फ़ोन स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल में, और जब आप ऑफ़ कर दोगे तो जो आपकी होम स्क्रीन वगैरह होगी रोटेट नहीं होगी, क्योंकि हमने इसको ऑफ़ कर दिया है। तो इस तरीके से भी आप होम स्क्रीन रोटेशंस को ऑन ऑफ़ करके स्क्रीन को रोटेट वगैरह कर सकते हैं अपने नोकिया फ़ोन में। और सिंपली जैसे आपको ऑप्शंस नहीं मिलता है तो यहाँ से सर्च करके भी सेटिंग्स पर जा सकते हैं। आपको सर्च करना ऑटो रोटेशंस, स्क्रीन, तो इस पर जाएंगे। तो इस पर जाकर आप होम स्क्रीन रोटेशंस को यहाँ से इस तरीके से ऑन कर सकते हैं और स्क्रीन वगैरह को रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल में, और ऑफ कर देंगे तो स्क्रीन रोटेट नहीं होगी। तो इस तरीके से होम स्क्रीन रोटेशंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं नोकिया फ़ोन में। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।